राधे 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 बोले बांके बिहारी लाल की भारत माता की भाइयों बहनों आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे और सीमा पर उन बहादुर जवानों तक भी पहुंचे जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राहुल गांधी से जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार थी तब राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि किसान के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा किसान का इतना इतना विकास करा देंगे, इतना विकास हम किसान का कराएंगे कि किसान के खेत में हम टाइल लगा देंगे। अब किसान के खेत में टाइल लगेंगे या किसान के खेत में उसकी उपज आनी चाहिए? अरे किसान के खेत में टाइल लगा देंगे तो बेचारा तो तबाह हो ही जाएगा और ये तबाही का नाम ही कांग्रेस है। भाइयों बहनों इस तबाही को मत आने दीजिए। ये कांग्रेस आज आतंकवादियों की सरपरस्त बन चुकी है। कैसे कैसे बयान देते हैं आपने देखा होगा। ये कांग्रेस की पीढ़ियों के महागुरु हैं एक सेम पित्रोदास, देश के लिए सेम बने हुए हैं, यानी देश के लिए शर्मनाक बन चुके हैं। कहते हैं क्या जरूरत है आतंकवादियों को मारने की, क्या जरूरत थी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने की। यानी आतंकवादियों को ये बिरयानी खिलाते थे लेकिन हम बिरयानी नहीं खिलाते, हम गोली खिलवाते हैं, गोली गोली। मोदी जी की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाती बल्कि गोली खिलाती है और वो गोली चलाते हैं तो यहां से गोला भी दागा जाता है। ये कार्य केवल मोदी जी कर सकते हैं। भाइयों बहनों ये कार्य केवल मोदी कर सकते हैं। जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था वो मोदी के लिए मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। वैसे ही समाजवादी पार्टी है, खैर वो तो पहले से लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब मथुरा के लोग और अच्छा जानते हैं, चव्हार बाग में कैसे इन्होंने कब्जा कराया था, कैसे चव्हार बाग में निशुल्क बिजली दे करके वहां के पेड़ों को काट करके और कैसे गुंडा गिरदी का एक नया साम्राज्य खड़ा कर दिया था। सरकार मौन बनी हुई है। ये कांग्रेस सपा का चेहरा है, और सपा हो बसपा हो, एक नारा गूंज रहा था जब मैं आया था, सपा बसपा कांग्रेस आई और चोर चोर। ये वैसे ही नहीं है, ये लोग कभी इनमें कोई किसी प्रकार का इन लोगों के बीच में कोई आपस में समन्वय नहीं, नीतियों में कोई संवाद नहीं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मोदी जी के नाम पर सब एकजुट हो गए हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं देश की रक्षा का चौकीदार हूं। चौकीदार चौकन्ना होगा तो चोर सशंकित जरूर होगा। चौकीदार के चौकन्ना होने से चोर का सशंकित होना ये ध्रुव सत्य है, और उस ध्रुव सत्य को ध्यान में रख करके आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए जवाहर बाग में जो सपा ने किया वही कार्य वे इससे पहले भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों को मुकदमा लेने का कार्य, वापस लेने का कार्य अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने, यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में, मैंने सबसे पहला कदम जब उठाया, मेरे साथ श्रीकांत जी थे, मेरे साथ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी थे, मेरे साथ सभी लोग मेरे मंत्रीगण थे। हमने कहा क्या कदम उठाया जाना चाहिए, तीन कदम उठाए थे। पहला कदम हम लोगों ने उठाया किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ। दूसरा कदम उठाया अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद करेंगे, और तीसरा कदम उठाया बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कराया। लेकिन सपा की जब सरकार आई थी उसने क्या किया, उसने सबसे पहला काम किया कि राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करने का प्रयास किया। यह सोच है
वे आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवाद को पलवित और पोषित करके आप सबकी सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते हैं, और हम कहते हैं कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे, आतंकवाद को आतंकवाद की उसको उसी की भाषा में जवाब भी देंगे। और आज भारत ये कर रहा है। बालाकोट की घटना भारत के सारे पराक्रम की घटना है। भाइयों बहनों, क्या पराक्रम भारत ने दिखाया? पहले सर्जिकल स्ट्राइक में, पूर्वोत्तर के भारत में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, महीनों तक नाकेबंदी होती थी कांग्रेस की सरकार के समय, कुछ भी वहां नहीं हो पाता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फिर वही अलगाववादियों ने सिर उठाने का प्रयास किया। एक जगह सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि भारत के खिलाफ कैसी रणनीति बनाई जाए, और उधर से मोदी जी ने सर्जिकल ऐसी स्ट्राइक कराई कि सारे आतंकवादी एक ही दिन में समाप्त कर दिए गए। यह है भारत का शौर्य, यह है पराक्रम। कांग्रेस की सरकार के समय जब सपा और बसपा कांग्रेस को समर्थन कर रही थी, तब जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाज थे, वे भारत का संसाधन, भारत का खाते थे, और पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करके भारत के सुरक्षा बलों पर पत्थर मारते थे। कांग्रेस पर दबाव बनाया जाता था, अभी कार्रवाई करो, कहते रे साहब इनपे क्या, इनको के सब उनके बारे में उनकी सहानुभूति निकलती थी। आज मोदी जी हैं, जितने भी अलगाववादी नेता थे सबकी सुरक्षा वापस ले ली गई, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सब के मुंह बंद हैं, और पत्थरबाज भी बंद हो गए, समाप्त हो गए। पत्थरबाजी कश्मीर में नहीं, पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ, 72 घंटे के अंदर सभी आतंकवादी मार दिए गए, और बाकी बचा बुचा जो था पाक अधिकृत कश्मीर में बालाकोट के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक के माध्यम से जितने भी आतंकी थे सबके कैंपों को नष्ट करके पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया। यह कार्य केवल मोदी कर सकते हैं भाइयों बहनों, कांग्रेस नहीं कर सकती। राहुल जी को तो पता ही नहीं है, राहुल जी तो जब अमेरिका के राजदूत से मिलते हैं क्या बात करते मालूम है? वे कहते हैं कि हमें जैसे मोहम्मद से खतरा नहीं है, खतरा उनको किससे है? आपसे खतरा लगता है। जब आपसे खतरा है तो आपसे वोट क्यों मांग रहे हैं? ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से। और किसानों की बात, आज मैं बात सुन रहा था मोहन जी की, मोहन जी ने इस बार उनको फिर से विश्वास नहीं था कि जनता वोट देगी, सपा बसपा दोनों विश्वास हो चुके हैं, और इसलिए दोनों ने गठबंधन किया। लेकिन गठबंधन किस बात का? जो सपा में पहले जिसको लोग चोर कहते थे, आज बसपा उसको टिकट दे रही है, जिसको बसपा के लोग चोर कहते थे सपा के लोग उसको टिकट दे रहे हैं। सपा बसपा लोग पर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, आज मिलकर के प्रदेश के संसाधनों पर लूट खसोट मचाने के लिए वे लोग फिर एकजुट होना चाहते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि यह योगी भी प्रदेश के अंदर लूट खसोट नहीं होने देगा, प्रदेश के अंदर लूट खसोट नहीं मचाने देंगे। ये लोग बिजली नहीं देते थे, मथुरा वृंदावन का नाम तो सुनने पर भी इन लोगों को करंट लगता था, आपने सुना होगा अखिलेश यादव का वक्तव्य, उन्होंने कहा कि मैं सिपाही में मैं दुर्योधन की बड़ी मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कभी सोची जब तुम्हारी दुर्योधन जैसी है तो किसकी मूर्ति लगाओगे? कृष्ण की मूर्ति तो हम लोग लगाएंगे। हम ब्रज विकास परिषद का गठन करके समग्र विकास का कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे, और मायावती जी को तो अपनी मूर्ति लगाने से फुर्सत नहीं है, पहली बार सुना मैंने। आज उनका एक वक्तव्य आया है कि किसानों का, गन्ना किसानों के बारे में। भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 21 चीनी मिलें इन्होंने बेची थी, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है,
और हमने संकल्प लिया है इन 21 की 21 चीनी मिलों को पुनः वापस लेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इन चीनी मिलों को फिर से चलाने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। हम किसानों के साथ खेलवाड़ करने की चोट न सपा को देंगे, न कांग्रेस को देंगे, न बसपा को देंगे, न लोकदल को देंगे। लोकदल के लोग जब मुजफ्फरनगर में निर्दोष सचिन और अन्य लड़के मारे जा रहे थे, वे सभी तो जाटी थे ना जो मारे गए थे वहां पर, तब क्यों ये लोग आजम खान के गुणगान गा रहे थे? तब क्यों लोकदल मौन था? तब क्यों लोकदल मौन था जब मुजफ्फरनगर में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे थे और समाजवादी पार्टी की सरकार निर्दोष नागरिकों को वहां मरवा रही थी? कारण साफ है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि मायावती जी, हमने तो हमारी सरकार आने के बाद 2011 से लेकर के 2018 तक का गन्ना मूल्य का पूरा भुगतान किया है। 57,800 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हमने किया है और मैं कह सकता हूं ये हमने मात्र 2 साल के अंदर किया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान मायावती जी के 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुआ था। आपको गन्ना किसानों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एक तो आपका 5 साल का कार्यकाल इतना गन्ना मूल्य के भुगतान का नहीं था, दूसरा आपने 21 चीनी मिलों को बेचने का कार्य करके किसानों के हितों पर कुठाराघात करने का कार्य भी किया था। नौजवान वहां का कर्मचारी तबाह हुआ था और मुझे लगता है इन्हीं किसानों की हाय, इसी नौजवान की हाय आज आपको इस स्थिति में पहुंचा दी कि सपा और बसपा को बहुजन समाजवादी पार्टी 2014 में केवल और केवल 1-0 पाई है और इस बार सपा और बसपा का गठबंधन भी 0 में सिमटेगा अगर आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो। 0 में ही ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग प्रदेश को पहले फुटबॉल बनाना चाहते थे, आज इनको फुटबॉल जैसा ही नंबर दे दीजिए जिससे जनता फिर से ठोकर मार करके इनको प्रदेश के बाहर भी धकेल सके। और इसलिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आज बिजली आपको मिल रही है। सपा बसपा की सरकार में क्या बिजली मिलती थी? क्या किसानों की उपज को खरीदा जाता था? क्या सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी? भाइयों बहनों, जब ये ना गांव के विकास करा सकते हैं, ना शहर में बिजली दे सकते हैं, ना नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार दे सकते हैं, ना माँ ना बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, ना तीर्थ स्थलों का विकास करा सकते हैं, तो फिर इनको चुनना क्यों है? इनको एक सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। और आपको यहां पर मथुरा वृंदावन में तो संस्कृति मंत्री तो आप ही के यहाँ के हैं ना, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ का विकास करने के लिए तो कृत संकल्पित है, लगे रहते हैं, कहीं से भी कोई चीज आती है वो उसको खींच करके लेके आते हैं। पशुधन दुग्ध पालन के मंत्री हैं, इस बार बजट में एक नई डेयरी की स्थापना के लिए उन्होंने बजट का व्यवस्था करा दिया अपने यहाँ के लिए, डेयरी खुलेगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ का विकास होगा, विकास होगा तो एक समग्रता के साथ आगे बढ़ेगा। हम सबका संकल्प है जैसे गंगा जी की अविरलता निर्मलता के लिए कार्य हुआ है, ऐसे ही यमुना जी के लिए भी हम कार्य कर सके। मुझे याद है मैं भी सांसद था, हेमा जी भी सांसद बनी थी और उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया था और उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था यमुना जी की अविरलता निर्मलता का, संसद में पूरा संसद देख रहा था। एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री यमुना जी के बारे में, मथुरा वृंदावन के बारे में बोल रही है, पूरा संसद सुन रहा था, पूरा देश सुन रहा था। और सचमुच आज जब यमुना जी की दुर्गति किसने की? कांग्रेस का पाप है ये, सपा बसपा का पाप है, और इस पाप से मुक्ति देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, जितना मैं कह सकता हूं, मैं जो दावा आपके सामने कर रहा हूं, 5 वर्ष में 250 बार श्रीमती हेमा मालिनी जी आपके अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा वृंदावन में आई है,
250 बार, और मैं कह सकता हूं ये 5 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी जी ये 3 बार 4 बार से 5 बार से सांसद हैं। 1998 से सोनिया गांधी जी सांसद हैं, 2004 से राहुल गांधी जी सांसद हैं। ले आवाज जल्दी है, ये दोनों का मिला करके एक लीटर एक और इनके पूरे संसदीय कार्यकाल को मिला लेंगे तो भी ये 250 बार अमेठी रायबरेली नहीं गए होंगे जितना अकेले हेमा मालिनी जी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आई है और यहाँ के विकास को लेकर के उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है। ये तो आपका अधिकार है कि आपका जनप्रतिनिधि आपके बीच में आकर के आपके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाता है। विकास की योजनाएं कहीं अटकने न पाए, या तो ये स्वयं दिल्ली या लखनऊ जाती है या हम लोगों को फोन करके बोलती है कि हमारे यहां को प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास की योजनाओं के प्रति इतनी रुचि अद्भुत है, अकल्पनीय है और सचमुच अभिनंदनीय भी है। विकास के प्रति लोगों की रुचि हो, जनप्रतिनिधियों की रुचि हो, ये हम लोगों को अभिभूत करती है। अच्छा प्रयास है और इसलिए हेमा जी को तो लड़ने के लिए बहुत सारी जगह थी लेकिन उन्होंने कहा कि लड़ूंगे तो मथुरा से ही लड़ूंगी, नहीं तो। और मुझे लगता है आज आपके बीच में फिर से नामांकन करके आई है। भाइयों बहनों, आज हम सबका दायित्व बनता है पिछली बार से अधिक वोटों से श्रीमती हेमा मालिनी जी को चुनाव जिता करके धरती भेजे, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि को, उनकी लीला स्थली को, उनकी रासलीला की स्थली को यहाँ के हमारे मंत्रियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके उस वैभव को जिसका सही मायने में हकदारी पृष्ठभूमि थी, वह हक यहाँ के नागरिकों को दिला सके, उसके लिए कार्य कर रही है केंद्र में और प्रदेश में। जब एक पार्टी की सरकार होती है तो वह डबल इंजन के रूप में कार्य करते हुए आगे बढ़ती है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास के जिन नए प्रतिमान को पूरा भारत छोड़ा है, मथुरा वृंदावन उससे क्यों वंचित होगा। और इस दृश्य आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए। लेकिन जो एक बात अक्सर होती थी कि कोई सेलिब्रिटी कहीं जाता है तो एक बार चुनाव जीतने के बाद दोबारा दर्शन नहीं होते, और जब मेरे सामने इस पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास के बारे में एक रोड मैप लेकर के श्रीमती हेमा मालिनी जी आई, और केवल आई नहीं, उसके बाद उसे फॉलोअप करने के लिए भी बार बार कैसे विकास के कार्यक्रमों को हम एक नई ऊंचाइयों को, यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छोड़ बनाए रखते हुए इसके समग्र भौतिक विकास की इस कार्य योजना को आगे बढ़ा सके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो विकास की योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं, ये सचमुच यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, हमारे मंत्रियों के, इन सब की एक सामूहिक पहल का परिणाम है कि आज मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल बलदेव ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थल भी घोषित हुए और साथ साथ विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर एक बार पुनः भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश और दुनिया इस तीर्थ स्थल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रख करके यहाँ के समग्र भौतिक विकास के बारे में देखना चाहती है, जानना चाहती है, और उसके लिए उस सोच के लोग चाहिए। बहुत अच्छी बात कही श्रीमती हेमा मालिनी जी ने कि वह तो इस ब्रज क्षेत्र की पवित्रता, इसकी महानता को ध्यान में रख करके यहाँ पर आई और यहाँ पर एक गोपिका के रूप में यहाँ की सेवा करके अपने आप को धन्य मानती है। सचमुच आप ब्रजवासी सौभाग्यशाली हैं कि आपने एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव किया। हम सब आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने एक अच्छा जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में मथुरा को दिया है, श्रीमती हेमा मालिनी को जो पूरे प्राण पण से लग करके यहाँ की सेवा कर रही है,
और जो मैंने कहा कि जब कोई सेलिब्रिटी कहीं जाता है चुनाव जीतने के बाद दोबारा दर्शन नहीं होते, लेकिन हेमा मालिनी जी पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 250 बार आपके मथुरा वृंदावन की यात्रा की है और यहाँ के विकास के लिए उन्होंने एक नया आयाम जोड़ा है। भाइयों बहनों, विकास के कार्यक्रम आज यहाँ पर श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में, श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के नेतृत्व में, श्री कालिंदा सिंह जी हैं, श्री पूरण प्रकाश जी हैं, श्री मुकेश आर्य बंधु हैं, ये जितने भी हमारे कार्यकर्ता गण हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि गण हैं, पदाधिकारी गण हैं, ये सभी लोग मिलकर के सबकी एक ही अभिलाषा है कि किसी भी प्रकार से मथुरा और वृंदावन को, उसके पुरातन वैभव को, आज के 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली को, उनकी रास स्थली को उसी रूप में देश और दुनिया के सामने हम पुनः स्थापित कर सके। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आप याद करिए यहाँ के पहले नगर निगम के बाद चुनाव भी लोग नहीं होने देते थे, मथुरा वृंदावन नगर निगम के रूप में स्थापित हो इसके बारे में लोग करना ही नहीं चाहते थे। हमने नगर निगम भी बनाया, चुनाव भी कराया और मुकेश बंधुआर्य यहाँ पर मेयर भी बने हैं आप सबकी कृपा से। यहाँ पर विकास की एक समग्र योजना ब्रज विकास परिषद का गठन हो, आज वो तेजी के साथ यहाँ के विकास को एक नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए कृत संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। हम सबका संकल्प है और जो मैंने पहले भी कहा, जब मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल बलदेव इन सभी तीर्थ स्थलों की बात आती है, कौन ऐसा भारतवासी होगा जिसके मन में इन तीर्थ स्थलों के विकास के प्रति पावन भाव न होता हो। लेकिन जब यहाँ के विकास की बात आती है तो यमुना मैया की बात भी सामने आती है। याद रखना, यमुना मैया के कार्य को पिछली सरकारों ने नामुमकिन कर दिया था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम मोदी है। याद रखना, जो सपा बसपा कांग्रेस के लिए नामुमकिन था वह मोदी के लिए मुमकिन है, और इसीलिए तो आज गंगा मैया अविरल और निर्मल हुई है। आपने अभी प्रयागराज कुंभ देखा होगा, प्रयागराज कुंभ कितनी भव्यता के साथ, कितनी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए और उसमें आपकी माननीय सांसद के द्वारा गामा गंगा की अविरलता और निर्मलता पर एक बहुत अच्छी उनकी प्रस्तुति वहां पर हुई थी। उन्होंने पहला प्रस्तुति वाराणसी में किया, वाराणसी भोलेनाथ की नगरी है, माँ गंगा और भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ का क्या संबंध है हर व्यक्ति जानता है। जब स्वर्ग से माँ गंगा का अवतरण होता है तो धरती पर भोलेनाथ ने अपनी जटाओं पर उन्हें शरण दी थी और गंगा की पहली प्रस्तुति हेमा जी ने वाराणसी में बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की धरती पर प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में किया। 7,500 से अधिक अप्रवासी भारतीयों ने उस दृश्य को देखा, उस कार्यक्रम को देखा, अत्यंत अभिभूत थे गंगा मैया की महिमा के बारे में, काशी के बारे में, मथुरा वृंदावन के बारे में, यमुना मैया के बारे में। उन्होंने उस प्रस्तुति को देख करके भूत हुए थे और सचमुच में हेमा जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने गंगा और यमुना पर जितनी अच्छी प्रस्तुति प्रवासी भारतीय दिवस के साथ साथ प्रयागराज की धरती पर किया था, हर एक व्यक्ति से भूत हुआ था। ये सोच होती है, कलाकार के अंदर कला है, लेकिन कला की प्रस्तुति कैसे होनी है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। हेमा जी अगर मथुरा वृंदावन की सांसद नहीं होती तो संभवतः ये सोच उनके मन में नहीं आती कि गंगा मैया के लिए, यमुना मैया के लिए कुछ करना है। और इसलिए मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, जो पिछली सरकारों के लिए नामुमकिन था
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मुमकिन किया है। चाहे वह गंगा की अविरलता और निर्मलता का हो, 2013 में महाकुंभ था, तब कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे। 2019 में कुंभ था और इसके ठीक दोगुने यानी 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए। वहां की व्यवस्था, स्वच्छता की, सुरक्षा की, वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, अद्भुत थी। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन था, उनका सानिध्य था, उनका सहयोग था, उनकी प्रेरणा थी। हम इसलिए करने में सफल हो पाए। उत्तर प्रदेश, उस परसेप्शन को, उत्तर प्रदेश के बारे में था कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है, उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी गुंडा टैक्स देता था सपा बसपा की सरकार के समय। आज गुंडा टैक्स उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर है या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। यानी मोदी कार्य हुए होंगे, या तो गुंडे जेल में है या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुके हैं। ये है सुशासन, ये है सुरक्षा। ये कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और जो कार्य गुंडों और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया, वैसे ही देश की सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप थोड़ा मुझे एक बात तो बताइए, ये जो कांग्रेस के लोग, मैं अभिनंदन करूंगा कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का, वे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे समय में आए हैं, बहुत अच्छे सांसद रहे हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह जी और वरिष्ठ सांसद रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐसे समय में उन्होंने ज्वाइन किया है जब हर भारतीय चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। क्योंकि मोदी जी इसलिए बने, क्योंकि मोदी जी इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए हैं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने का कार्य मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, 36 करोड़ परिवारों को बैंक में अकाउंट खोल दिया जनधन योजना में। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से सालाना 6,000 रुपए देने का कार्य किया। 60 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दे दिए गए। 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय दे दिया गया। 2.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी गई। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। मैं अभिनंदन करूंगा अपने मंत्री श्रीकांत शर्मा जी का, जिन्होंने इसमें सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मिला, अकेले उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए। ये कार्य कैसे संभव हो पाए, क्योंकि जो कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए नामुमकिन था, नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, ये कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि एक गरीब की पीड़ा, एक सामान्य नागरिक की पीड़ा, एक किसान की पीड़ा, एक नौजवान की पीड़ा मोदी जी समझते हैं। उनका सम्मान मोदी जी करना जानते हैं।
कि भाइयों बहनों हम सब इस दिशा में प्रयास करें, इस दिशा में आगे बढ़ें, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, यह भाव हम सब के अंदर आए, यह अपील आप सबसे करने के लिए हम लोग आए हैं, यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और सचमुच जो प्यार और जो स्नेह आपने हेमा जी को दिया है, वह उनके साथ उनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, यही आप सबसे कहते हुए मैं यहां से नारा दूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार। आप सब मेरे साथ फिर से कहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए जो स्लोगन आप सबका होगा और वह स्लोगन आपका स्पष्ट होना चाहिए, और वह कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मोदी सरकार। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश 74 पार, आप कहेंगे एक बार फिर मोदी सरकार। तीन बार कहूंगा, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे उत्तर प्रदेश 74 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार, मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की व्यवस्था के कुछ कार्यकर्ता स्वागत करते हुए जाने देंगे आगरा अपने मथुरा महानगर और मथुरा जिले के कार्यकर्ता जो व्यवस्थाओं में लगे वो स्वागत करेंगे। आप सभी इतनी धूप में अपने प्रिय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए आए, इतना धैर्य के साथ यहाँ पर बैठे रहे घंटों,